नमस्कार, मैं हूं प्रसून। एजेंडा में चर्चा आज उन भारतीय मुस्लिमों की जो सड़क पर नमाज का विरोध करता है, सामाजिक नियमों का पालन करना चाहता है और चाहता है कि आप भी उसका पालन करें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाने की वजह से वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है या कुछ हद तक उसे आप नास्तिक भी कह सकते हैं। ये सभी उस साइंटिफिक सोसाइटी के मेंबर के तौर पर उभरे हैं जो अपने मजहब के उन बुनियादी वसूलों पर सवाल खड़ा करता है जो आधुनिक समाज के पैमाने पर मेल नहीं खाते हैं। ये सवाल इसलिए भी आज लाजमी है कि इस्लाम के नाम पर कट्टरता फैलाने वाले किसी भी नियम कानून को नहीं मानते हैं, लेकिन सख्ती के वक्त ये नरमी की आशा करते हैं। दिल्ली और लखनऊ की दो घटनाएं इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें मजबूर करती हैं। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है, पुलिस के हटाने पर सामूहिक उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाता है, ये जानते हुए भी कि रास्ता जाम करना ठीक नहीं है। लखनऊ के एक इलाके में अवैध मस्जिद पर विवाद होता है, जिसे हटाने पर फिर से विवाद होता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, दुबई जैसे तमाम मुस्लिम मुल्कों में विकास के लिए मस्जिदों को गिराकर नई इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, जिसका विरोध कहीं भी नहीं देखा जाता है। सड़कों पर नमाज और मस्जिद बनाने पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, खासकर भारत में। सवाल है कि कौन बढ़ावा दे रहा है अवैध गतिविधियों को सही ठहराने के लिए, कौन सरकार के हाथ बांधता है, भारत में इस्लाम की कुरीतियों पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है। इन सवालों पर सहिष्णु और उदारवादी मुस्लिम खुलकर सामने आ रहे हैं, जो खुलकर कट्टरता के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी पहचान एक्स मुस्लिम के नाम से सामने आते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उभर रही है। मुस्लिमों का एक वर्ग सवाल नहीं पूछने की इजाजत से नाराज है। सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम की बाढ़ देखने को मिल रही है। एक्स मुस्लिम इस्लाम की कुरीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि सवाल पूछने के कारण ही सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, अनवर शेख, तारिक फतेह, हारिस सुल्तान जैसे पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों को भी अपना देश छोड़ना पड़ा। बावजूद इसके पाकिस्तानी मूल के एडम सीकर, भारतीय मूल के साहिल रिजवान साहिब और समीर जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की कुरीतियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। भारत में तो इसकी शुरुआत 70 के दशक से ही हो गई थी, जब कश्मीरी अनवर शेख ने इस्लाम को अरब की गुलामी बताया था और इस्लाम का त्याग भी कर दिया। अनवर शेख का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। मौलवियों की धमकी और फतवा के कारण वो ब्रिटेन में निर्वासित जीवन बिताते थे। अनवर शेख ने कई किताबें लिखी, इनमें प्रमुख हैं इस्लाम द अरब इंपीरियलिज्म, इस्लाम द अरब नेशनल मूवमेंट, इस्लाम सेक्स एंड वायलेंस, फेथ एंड डिसेप्शन, इस्लाम एंड टेररिज्म एंड सेक्सुअल डिफेक्शन। अनवर शेख की किताबों के कारण पाकिस्तान में उनके खिलाफ मौत का फतवा जारी हुआ। वो फतवे के कारण नहीं बल्कि 2006 में अपनी स्वाभाविक मौत से मरे। मरने से पहले इस्लाम को अरब की मानसिक गुलामी बताते हुए उसका जीवन भर प्रचार करते रहे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हाजी शहजाद खान चेयरमैन मुस्लिम एकता मंच के हैं हमारे साथ, और फाजिल अहमद है मुस्लिम स्कॉलर। पहला सवाल फाजिल जी आपसे, आखिर क्या कारण है, किन वसूलों के किस बुनियाद पे आप सड़क पे नमाज अदा करते हैं और जब प्रशासन हटाने आता है तो आप कहते हैं कि इस्लाम के साथ ज्यादती हो रही है, इस्लाम खतरे में है। देखिए प्रसन्न जी, सड़क पे जो नमाज अदा करने का जहां तक आपने रिपोर्ट में जिस तरह से प्रस्तुत किया, सड़क पे हटाने का जो तरीका था ना उस सिपाही का या दरोगा जो भी पुलिसकर्मी का जो तरीका था, लोगों को तकलीफ उस तरीके से हुई। और जहां तक सवाल है, इस देश के अंदर मस्जिद जब जुमे की नमाज होती है तो उसमें भीड़ ज्यादा हो जाती है, मस्जिद में जगह कम होती है। और इंद्रलोक की जहां तक बात है तो वो सर्विस रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हमेशा से पढ़ते आए, कोई नई बात नहीं है। और कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, एक कुंठा की भावना से इस तरह की घटना की गई
और कभी भी इस देश के अंदर चाहे जगराता हो, सारे सारे धर्मों का धार्मिक कार्यक्रम सड़क पे ही होता है। अभी आप देखिए पूरा हाईवे बंद हो जाता है जब मैं आपसे अनोखी बात सुन रहा हूँ। आप हाईवे बंद करवाने की बात कर रहे हैं, आप सड़क जाम करवाने की बात कर रहे हैं, उसको तमाम तर्कों के माध्यम से आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिस आदमी को हटाने की कोशिश हो रही थी वो तरीका गलत है, लेकिन उसको भी मालूम था कि जिस तरीके से वो नमाज अदा कर रहा है वो जायज है या नाजायज, उस पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल जायज है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई आदमी सुन लीजिए, नमाज शुरू होने से पहले अगर कोई जाके कहे कि साहब यहाँ पे नमाज मत पढ़िए, निश्चित रूप से हम हट जाएंगे। अगर कोई आप सड़कों पे नमाज अदा करने के लिए कौन कहेगा? आपको कई चीजें ऐसी नहीं बोली जाती, लेकिन आपके सब विवेक पे निर्भर होता है कि आपको कहाँ क्या काम करना है। ये थोड़ी बताया जाएगा कि आपको कहाँ शौच करना है, शौचालय बना हुआ है, शौच के लिए वहाँ कर रहे हैं, पूजा पाठ के लिए जगह बनी है, पूजा पाठ के लिए वहाँ। वो दरोगा का लात मारना आपको ठीक लगा? मैं फिर कह रहा हूँ विवाद इस पे नहीं है। दरोगा का लात मारना ठीक लगा? सुन लीजिए फाजिल जी, इसी हरकतों के कारण कई मुस्लिम विद्वान बुद्धिजीवी इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं। आप इस पे अगर चिंतन मनन नहीं करेंगे, बुली करेंगे, जबरदस्ती अपनी बातों को ला देंगे, तो तमाम आपके ही समाज के लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। जो अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए एक्स मुस्लिम के नाम से अपनी पहचान बना के आ रहे हैं और आपकी कड़ी निंदा करते हैं, उसमें हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है, न पत्रकारों का। सवाल आपके ऊपर है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन साहब। आप तमाम मुस्लिम देशों की यात्रा कर चुके हैं, वहाँ क्या इस तरीके से कोई पाबंदी होती है क्या? नहीं, कांवड़ यात्रा पे आपने नहीं बात किया, उस पे जिस दिन नंबर आएगा उस पे आपसे सवाल लेंगे। हाँ, कि दुनिया में और भी कहीं कांवड़ यात्रा होती है क्या? मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इससे पहले हरियाणा के पार्सों का मसला था गुड़गामा के, उस वक्त भी मैंने डिबेट पे कहा था चैनल पे कि मुसलमानों को जेबा नहीं देता उन जगहों पे जहाँ पे सड़े गले कुत्ते लोगों के पेशाब करने के और बहुत तरीके हैं रोड को गंदा करने के, उन सड़कों को किनारे गंदा होने पर क्या नमाज जायज है? वो साफ जगह है, पाक जगह है। सबसे पहले कहा गया है कि साफ कपड़े और साफ जगह से नमाज होती है। जहाँ तक सवाल है इनका कहना कि जमाने से चला रहा है, तो उस जमाने से चला रहा है तो सुधार तो हमेशा हुए। क्या मस्जिद में जो लोग आते हैं ये भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, क्या चंदा नहीं देते? उन मस्जिदों को एक स्टोरी से दो स्टोरी क्यों नहीं किया जाता? दूसरी बात, जहाँ ज्यादा नमाजी हो जाते हैं वहाँ दो बार नमाज पढ़ाई भी जाती है, एक बजे तो खुतबा होता है, दो बजे भी होता है, डेढ़ बजे भी होता है, उन्होंने दो बजे भी होता है खुतबा। इस तरीके से ये बात कहना कि ऐसा होता आ रहा है और मैं ऐसा करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन हाजी शहजाद खान। हाजी साहब, आपका क्या विचार है? अगर सुधारवाद की कोई बात मुस्लिम करता है तो उसको इस्लाम से ही निकाल दिया जाता है, उसको यहाँ तक होता है कि अपना देश छोड़ना पड़ता है। आप अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे तो कहाँ से सुधार होगा? नहीं, दरअसल ये है कि आज हम जिस परिस्थिति में यहाँ रह रहे हैं उस परिस्थिति के बारे में दो चार शेरों से अपनी बात को कहना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि अभी मुझे सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कौन है? अमीन साहब हैं ना? बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मैं गुड़गावा से आता हूं। अमीन साहब एक बार सुन लीजिए, मैं गुड़गावा से आता हूं और गुड़गावा के अंदर जो आपने बातें रखी हैं कि जहां कुत्ते मरते हैं, जहां गंदगी होती है, पहला जो फर्ज है वो जगह को साफ करना है। आप शायद गुड़गावा से वाकिफ नहीं, मैं यहाँ पर गुड़गावा मुस्लिम एकता मंच का चेयरमैन हाजी शहजाद खान हूँ। नमाज पढ़ने और पढ़ाने के चक्कर में मैं जेल जा चुका हूँ, वो इसी बीजेपी सरकार में। जो दो चार मिसरों में अपनी बात को कहना चाहूंगा कि तुम्हें हक है कि तुम बस्ती जलाओ जितनी तुम चाहो, तुम्हें हक है कि तुम मस्जिद गिराओ जितनी तुम चाहो, तुम्हें हक है कि ये देखो कि किसी ने क्या बनाया है, तुम्हें हक है कि ये कहकर मार डालो किसने बीफ खाया है। ये ताकत भी तुम्हारी है, कयादत भी तुम्हारी है, ये ताकत भी तुम्हारी है, कयादत भी तुम्हारी है,
तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, अदालत भी तुम्हारी है। अमीन साहब आप तो विशेषज्ञ हैं। आपकी बात से हाजी साहब एक चीज तो साफ हो गई, ना आपका धर्म में विश्वास है, ना इस्लाम में विश्वास है, और देश की अदालतों पे भी भरोसा नहीं है। क्योंकि आपने मान लिया है कि अदालतें भी बिक चुकी हैं, और इसी तरीके की सोच के कारण, सुन लीजिए आप मेरी बात हाजी साहब, आपको तमाम लोग आईना दिखा रहे हैं, और वो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन लोगों को मैंने जिन लोगों का मैंने नाम लिया, साजिद, रिजवान, ये तमाम लोग अपनी इस्लामिक कुरीतियों को उजागर कर रहे हैं। और आप मुताजू हाजी साहब जिस तरीके की कुरीतियों का बढ़ावा दे रहे हैं, इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है। आप सबक को जान करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उसको जस्टिफाई कर पाइए, और आप कोई आदमी सुधार करना चाहता है इस्लाम से निकालेंगे। आप जो ना सब मुसलमानों को बिठा के, आप जो ना उसके बाप का कहलवा के, आप अराजकता फैलाते हैं। और जब कोई मुस्लिम विद्वान उस पर ऐतराज करता है तो आप उसको सवाल भी नहीं सुनना चाहते हैं। सुन लीजिए, कश्मीरी विद्वान थे अनवर शेख, पाकिस्तान में जन्म लिया था, उन्होंने कहा कि मुझे अगर बोलने की इजाजत नहीं है, सवाल खड़ा करने की इजाजत नहीं है, तो मैं इस्लाम का त्याग करता हूँ। आप किसी, आप कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन किसी के किसी को बोलने की इजाजत नहीं है अपने धर्म पर, किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं है। पूरी दुनिया में सड़क पे नमाज अदा होता है तो केवल भारत में जो होता है। आप हाजी साहब आप भी तर्कों पे बात नहीं कर सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिला है जायज बातों के लिए, नाजायज बातों की कोई जगह नहीं है। इससे साफ है आपके मुहावरे से और चुटकुले से और शायरी कि आपका न अदालत में विश्वास रह गया है, आपका अराजकता में भरोसा है, उसका परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और इसलिए नहीं कि कोई और करेगा, तमाम बुद्धिजीवी मुस्लिम जो चाहते हैं अमन शांति से रहना, जो चाहते हैं इस्लाम की ख्याति पहले, प्यार मोहब्बत बढ़े, वो लोग सामने आ रहे हैं। और अब आपको आंखों में आंखें डाल के आईना दिखा रहे हैं कि अपनी कुरीतियों को छोड़िए, लोगों का वाजिब हक दीजिए। मोहम्मद अमीन साहब, इन लोगों को समस्या क्या है वाजिब हक देने में की? एक मिनट, ऐसा है कि अभी ये कह रहे थे कि मैं जेल गया नमाज के लिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं इनसे इस बात को जानना चाहूंगा, ये गुड़गामा से आते हैं तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है? इससे पहले वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन था? इसके लिए जिम्मेदार है वक्फ बोर्ड। देखिए अदीप भाई, अदीप भाई मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, सब सरकार के अधीन आते हैं, सरकार की चापलूसी करते हैं। गरीब आदमी की अपना वीडियो ऑन करिए, हमें साफ और जाय से लगे जहाँ पे नमाज पढ़े। इनको शायद बता दीजिए हाजी जी को, छह हज हमने भी कर रखे हैं, बैतुल मुकद्दस जा रखा हूँ, खाने काबा के अंदर जाओ कुछ काबा में, हमसे क्या बात करेंगे? मैं वहाँ पोस्टर रहा हूँ विदेश मंत्रालय की तरफ से। देखिए जायज बात करिए, जायज बात करिए, आपको अपने कब्र में जाना है, आप जायज बात करिए। हम यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए बात नहीं है, कुरान की रोशनी में शरीयत के मुताबिक काम करते हैं। आप ये बात बताइए कि मैं हज कर आया हूँ और मैं उमरा कर आया हूँ कि देश में तमाम एक्स मुस्लिम के नाम से लोग सामने आ रहे हैं, ये वही मुसलमान है जो साइंटिफिक सोसाइटी के मेंबर के तौर पे उभरे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए तमाम मुस्लिम उन सवालों का जिक्र कर रहे हैं और बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि मानवता के हक में क्या जायज है। पहले उस पर विचार होना चाहिए, तब इस्लाम की बात करनी चाहिए, और इस्लाम में कुरान में कहीं भी ऐसी बातें नहीं हैं जो मानवता के खिलाफ जाती हैं, समाज के खिलाफ जाती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाजी शहजाद खान, जो चेयरमैन हैं मुस्लिम एकता मंच के। अब ऐसे जो मुस्लिम आ रहे हैं, ये खासकर पाकिस्तान में दिन दूनी रात चौगनी की गति से बढ़ रहे हैं हाजी साहब, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? किन हाजी, किन की बात कर रहे हैं आप, कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? तमाम ऐसे मुस्लिम आ रहे हैं सामने जो अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगा रहे हैं, उसका दो मतलब है, वो इस्लाम छोड़ रहे हैं और आपके कट्टरता के कारण उनको इस्लाम को छोड़ना मजबूर होना पड़ रहा है।
अपने अपने मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। बात ये है, आपने जो आज ज्वाइन किया है, जो डिबेट करा रहे हैं आप, वो ये है कि कनाडा इंद्रलोक में जो बाहर नमाज पढ़ते हुए आपके प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए क्या उसने सही किया है या गलत किया है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि जब सबको मालूम है सड़क पे नमाज नहीं अदा करना है तो सही था कि गलत था। हाजी साहब, दिल पे हाथ रख के खाइए। मेरे से आप जो है ना सवाल टू सवाल लेते रहिए। अगर वो गलत था तो क्या कहना में ये आपके जो ना कहना रोडों के ऊपर जो भंडारे होते हैं, जो रोडों को ठीक है, आप अपनी गलती को सुधारने के लिए दूसरे की गलती बता रहे हैं। बहुत अच्छा मोहम्मद अमीन साहब, मोहम्मद अमीन साहब, पूछना चाहूंगा हाजी साहब, जो लोग आपके लिए हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है, खड़े हो गए, अमीन साहब की आवाज लाउड करिए, इसलिए मुझे जवाब चाहिए। जाकिर हुसैन चेयरमैन हरियाणा वक्फ बोर्ड, उनके बाप भी रहे, उनके दादा भी रहे, मुझे जवाब दे इस बात का कि हरियाणा में उन्होंने क्या किया और किस लिए है। आप उन पे क्यों नहीं जाते हैं और दूसरों को बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को? एडमिनिस्ट्रेटर तो हिंदू हो सकता है, लेकिन आपके वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, जिसका राइट है मुसलमानों को सही राइट दिलाने के लिए, उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? आप जेल क्यों जाते हैं? अपना मांगिए, जाति हक मांगिए, मस्जिदें ऊंची बनाइए, लड़कों में पढ़ने कहा तक भूल है, जहाँ तक सवाल है मक्का और मदीना में उसको भूल जाइए। मक्का और मदीना की बात मत जोड़िए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे काफिर भी हैं और मोमिन भी हैं। मोहम्मद अमीन साहब, मानने वाले भी इसी कट्टरता के कारण, आप जो है खास और रोजनो शरीफ, सुन लीजिए हाजी साहब, सामने रखे बात करिए, सुन लीजिए हाजी साहब, आप जिस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, जिसको बुली कहते हैं, किसी आदमी को जानबूझकर बार बार धक्का दिया जाए, उसको उसकी जगह से पीछे हटाया जाए, यही काम आप कर रहे हैं। और किसी भी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। मुझे आपका नाम का नहीं पता, मुझे ये बताइए, सऊदीया में, मिस्र में, इंडोनेशिया में मुस्लिमों को चिंता नहीं है इस बात की? आप इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार बन जाते हैं और उसमें उन मासूम मुसलमानों को फंसा देते हैं जो अपने दो जून की रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अमीन साहब जैसे लोगों के खिलाफ आप लोग फतवा जारी कर देंगे तो उनके पास इस्लाम छोड़ने के अलावा क्या जरिया बचेगा? सही बात सुनना नहीं चाहते अमीन साहब। हम इसने पूछना चाहेंगे प्रश्न जी, ये बताएं कि क्या नमाज पढ़ने के लिए वो जमीन जायज है जहाँ पे हमने अपना पैसा दिया और हक हमारी जमीन है, दूसरे की नाक जमीन पे क्या हमारी नमाज जायज है? बस परसों सवालों का साहब का जवाब दूंगा, अगर आप दो मिनट का टाइम देंगे तो। जी बोलिए जी। गुड़गावा के अंदर 106 जगह नमाजें होती थी, 106 नमाजों की सरकार से परमिशन हमारे पास है, जो हमारे पास ऊपर पथराव हुआ कराया गया, हमें वहां नमाज नहीं पढ़ने दी, हमें अरेस्टिंग करी है, लोगों को धक्के मुक्के मारे गए। जब उस वक्त इनका मुंह बंद क्यों था? जब सरकार ने परमिशन दे रखी थी, क्यों हटाया वहां पर? और हमने सरकार से होती है तो आप हमारी मस्जिद खाली मारिए, हम ओपन में नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, ना हमें खुश है, ना ना हमारे जगह ना होने की वजह से हम ओपन नहीं। आप लोगों की भाषा सुन लीजिए हाजी साहब, जिस तरह के पथराव करते हैं, जिस तरीके की भाषा रखी जाती है, मुझे लगता है कि जो मुस्लिम है उनकी पहचान से भी ये अलग तरह की भाषा यूज की जा रही है, प्रयोग किया जा रहा है। और जिस तरीके की आप लोग रंग दिखा रहे हैं, जो रंग दिख रहा है आप लोगों का, वो भी किसी सभ्य मुसलमान का रंग नहीं होता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सच सच। और उसके बाद आप लोग जायज की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, उसके बाद भी सारी बेईमानी झलकने लगती है जब आपसे ईमान की बात की जाती है। आप कहते हैं दूसरा आदमी बेईमान है इसलिए हम भी बेईमान बने रहेंगे। जो आपको आईना दिखाएगा वो आप उसके साथ में इसी तरीके से आईना आपको देखना है और आईना आपको दिखाया जा रहा है और आपके ही समाज के लोग दिखा रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब, अफगानिस्तान की जमीन मुसलमान बेचता है, ईदगाह की जमीन मुसलमान बेचता है, मुसलमान नाजायज जगह पे नमाज पढ़ना चाहता है, अपनी जगह बनाना नहीं चाहता, यही हरियाणा ने कहा था सरदारों ने कि हमारे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ी है, क्यों? हमारी कहाँ है ताकतें? पहले तो कहते हैं 350 साल। मोहम्मद अमीन साहब बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, हाजी साहब के पास जवाब नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आप लोग चलते रहिए APN न्यूज के साथ।